हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल बिना स्टडी कैन में स्वागत है। तो दोस्तों, मैं जन एवं पर्यावरण एमसीक्यू का दूसरा पार्ट लेकर आया हूं। तो दोस्तों, इसमें देखते हैं 62वां क्वेश्चन। सुमेलित कीजिए, सूची एक और दो को हमको सुमेलित करना है। सूची ए में दिया है विश्व पृथ्वी दिवस, विश्व ओजोन दिवस, विश्व प्राकृतिक आवास दिवस, विश्व खाद्य दिवस। सूची बी में दिया है दोस्तों, दूसरे में 16 अक्टूबर, 3 अक्टूबर, 16 सितंबर, 22 अप्रैल। तो 62 का जो आंसर होगा वो होगा, देखते हैं दोस्तों, पहले का होगा 22 अप्रैल, दूसरे का होगा 16 सितंबर, तीसरे का होगा 3 अक्टूबर और खाद्य दिवस 16 अक्टूबर। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा ए। गंगा को प्रदूषण से मुक्त कराने के लिए केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का गठन कब किया गया था? ए 1972, बी 1982, सी 1985, डी 1988। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा सी 1985। भारत सरकार ने पर्यावरण विभाग की स्थापना कब की थी? 64 का जो आंसर होगा दिया है 1950, 1970, 1975 और 1980। तो 64 का जो आंसर है वो होगा डी 1980। भारत में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडल की स्थापना कब हुई थी? 1950, 1970, 1972 और 1982। तो 65 का जो आंसर है वो है सी 1972। सतत पारिस्थितिक विकास के लिए आवश्यक क्या है? मानव की भौतिकवादी विलासतापूर्ण जीवन शैली को त्यागना, पर्यावरण के साथ घोर अन्याय एवं अत्याचार न करना, पारिस्थितिक तंत्र को संतुलित बनाए रखना, उपरोक्त सभी। तो 66 का जो आंसर होगा वो होगा डी उपरोक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? विकसित देशों में विकासशील देशों की तुलना में पर्यावरण का शोषण हो रहा है। समन्वित पारिस्थितिक विकास चल अकेला की अवधारणा पर आधारित है। पारिस्थितिक विकास में जन सहयोग आवश्यक नहीं है। पर्यावरण संकटों का कारण मानव की साधुवाद प्रकृति का फल है। तो 67 का जो आंसर होगा वो होगा ए विकासशील देशों की तुलना में पर्यावरण का शोषण अधिक हो रहा है। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन आने की संभावना है, 67 की जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आ सकता है। पारिस्थितिक विकास में निम्नलिखित में से कौन सा पक्ष सम्मिलित नहीं है? सतत पारिस्थितिक विकास, संपूर्ण पारिस्थितिक विकास, समन्वित पारिस्थितिक विकास, संतुलित पारिस्थितिक विकास। तो इसका जो आंसर होगा 68 का वो होगा बी संपूर्ण पारिस्थितिक विकास। पारिस्थितिक विकास की अवधारणा निम्नलिखित में से किसके लिए तैयार की गई है? हांसरमान पारिस्थितिक तंत्र को सुधारने के लिए, पर्यावरण को विस्तृत करने के लिए, पर्यावरण को संतुलित करने के लिए, उपरोक्त सभी। तो 69 का जो आंसर होगा वो होगा सी पर्यावरण को संतुलित करने के लिए। जय आवर्धन का तात्पर्य किसकी वृद्धि से है? जीवित जीवों में प्रदूषकों की सांद्रता, जाति की संख्या, जीवित जीवों का अमाप, बायोमास। तो 70 का जो आंसर होता है वो है जीवित जीवों का प्रदूषकों की सांद्रता। 71 पर्यावरण प्रबंधन की अवधारणा से क्या तात्पर्य है? हांसरमान पर्यावरण के कारणों की जानकारी, उसके नियमन और विगत अनुभव के आधार पर हास्य को विवेकपूर्ण विधि से दूर करना,
पर्यावरणीय तत्वों एवं मानवीय तत्वों में सहसंबंध स्थापित करना, मानव की बहुमुखी प्रतिभा से विकास और जीवन की गुणवत्ता में सामंजस्य स्थापित करना भी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 71 का जो आंसर होगा वो है ए। पर्यावरण संबंध का उद्देश्य क्या है? पर्यावरण के विभिन्न घटकों का अध्ययन, पर्यावरण के विभिन्न घटकों के मध्य संतुलन की अवस्था बनाना, पर्यावरण संतुलन की रोकथाम, पर्यावरण। तो 72 का आंसर जो है वो है बी, पर्यावरण के विभिन्न घटकों के मध्य संतुलन की अवस्था बनाना। पर्यावरण शिक्षा हेतु प्रदत्त करने के ध्येय से प्रकाशित प्रमुख त्रैमासिक हिंदी समाचार पत्र कौन सा है? इको समाचार, पर्यावरणीय ज्ञान, पर्यावरणीय विकास, पर्यावरणीय समाचार। तो 73 का जो आंसर होगा वो होगा इको समाचार। ए, एजेंडा 21 का संबंध किससे है? सुरक्षा परिषद को संयुक्त राष्ट्र संघ की महासचिव की रिपोर्ट, विकासशील देशों की मांग का चार्टर, रियो में पृथ्वी शिखर सम्मेलन का दस्तावेज, भारत का 21वीं शताब्दी को शुभारंभ करने हेतु आधुनिकरण का कार्यक्रम। तो 74 का जो आंसर है वो है सी, रियो में पृथ्वी शिखर सम्मेलन का दस्तावेज। 75, भारत में वर्ष 1889 में CGR पर्यावरणीय शिक्षा केंद्र की स्थापना कहाँ हुई है? ए, देहरादून, बी, चेन्नई, सी, उदयपुर, डी, बेंगलुरु। तो 75 का जो आंसर है वो है बी, चेन्नई। अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण शिक्षा केंद्र की स्थापना कहाँ और कब हुई थी? ए, भारत, बी, राष्ट्रकुल देशों की सहभागिता से, सी, राष्ट्रकुल देशों में विकासशील देशों की सहभागिता से, उपरोक्त सभी। तो 76 का जो आंसर है वो है डी, उपरोक्त सभी। 77, भारत में पर्यावरणीय शिक्षा केंद्र की स्थापना कहाँ और कब हुई थी? देहरादून 1980 में, अहमदाबाद 1984 में, बेंगलुरु 1988 में, मुंबई 1992 में। तो 177 का जो आंसर है वो है 1980 देहरादून में। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा ए। रेडियो, दूरदर्शन, नाटक, कवि संगोष्ठियां एवं सिनेमा द्वारा दी जाने वाली पर्यावरणीय शिक्षा को कहते हैं औपचारिक पर्यावरणीय शिक्षा, अनौपचारिक पर्यावरणीय शिक्षा, पाठ्य क्रम शिक्षा, विद्यालय शिक्षा। तो 78 का जो आंसर होगा वो होगा अनौपचारिक पर्यावरणीय शिक्षा। तो इसका आंसर होगा बी, औपचारिक पर्यावरणीय शिक्षा का अर्थ क्या है? प्राथमिक से उच्च स्तरीय शिक्षा में पाठ्यक्रमों द्वारा शिक्षा, बी, व्याख्यानों द्वारा पर्यावरणीय शिक्षा, सी, संगोष्ठियों द्वारा पर्यावरणीय शिक्षा, डी, उपरोक्त सभी। तो 79 का जो आंसर है वो है डी, उपरोक्त में सभी। तो इसका आंसर होगा डी। 80, ताप विद्युत गृहों से निकलने वाली गैसों में निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायु को प्रदूषित करती है? ए, कार्बन डाइऑक्साइड, बी, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सी, सल्फर डाइऑक्साइड, डी, ये सभी। तो 80 का जो आंसर होगा वो होगा ये सभी। घरेलू ईंधन के जलने से निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायु को प्रदूषित करती है? ए, कार्बन डाइऑक्साइड, बी, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सी, सल्फर डाइऑक्साइड, डी, हाइड्रोकार्बन। तो 81 का जो आंसर होगा वो होगा डी, हाइड्रोकार्बन।
इसका जो आंसर होगा वो डी होगा। H2 वाहन से निकलने वाली विभिन्न गैसों में सर्वाधिक मात्रा में निकलने वाला गैस कौन सी है? ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी कार्बन मोनोऑक्साइड, सी सल्फर डाइऑक्साइड, डी ये सभी। तो 82 का जो आंसर है वो है ए कार्बन डाइऑक्साइड, इसका आंसर है ए। 83 ज्वालामुखी क्रिया से निकलने वाली गैसों में आप किसे शामिल करेंगे? सल्फर डाइऑक्साइड, बी हाइड्रोक्लोरीन, सी मोनोऑक्साइड, डी ये सभी। तो 83 में ये सभी आएंगे। वायु प्रदूषण के प्राकृतिक स्रोतों में आप निम्नलिखित में से किसे शामिल नहीं करेंगे? ए ज्वालामुखी क्रिया, बी दावग्नि, सी वाहनों से निकलने वाला धुआं, डी जलवाष्प। तो 84 का जो आंसर होगा वो होगा सी वाहनों से निकलने वाले धुआं। निम्नलिखित में से कौन सा अभिघटनी प्रदूषक नहीं है? नाभिकीय अवशिष्ट, बी प्लास्टिक, सी मल मूत्र, डी आर्सेनिक। तो 85 का जो आंसर है वो है सी मल मूत्र। बात करते हैं 86 की। तो पर्यावरण निम्न में से किससे प्रदूषित होता है? ए मानव द्वारा त्याज्य सामग्री या अवशिष्ट से, बी औद्योगिक प्रदूषकों से, सी आर्थिक व तकनीकी विकास तथा जनसंख्या वृद्धि से, डी उपरोक्त सभी से। तो 86 का जो आंसर होगा वो है डी उपरोक्त सभी से पर्यावरण प्रदूषित होता है। प्रदूषण से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? प्रदूषण से पर्यावरण के तत्व जल वायु मिट्टी आदि अपनी नैसर्गिक गुणवत्ता खो देते हैं। बी प्रदूषण मानव की विकास प्रक्रिया की देन है। सी आर्थिक व तकनीकी विकास तथा जनसंख्या वृद्धि से पर्यावरण प्रदूषित होता है। डी उपरोक्त सभी। तो 87 का जो आंसर है वो है डी उपरोक्त सभी। भारत में ऊर्जा संकट को दूर करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में किसी गैर परंपरागत स्रोत को अपनाया जा रहा है? ए बायोगैस, बी सौर ऊर्जा, सी वायु ऊर्जा, डी इनमें से कोई नहीं। तो 88 का जो आंसर है दोस्तों वो है बायोगैस ए। इसका जो आंसर होगा वो होगा ए बायोगैस। भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में ऊर्जा का प्रमुख साधन कौन सा है? ए बिजली, बी पेट्रोलियम, सी लकड़ी, डी गोबर। तो 89 का जो आंसर है दोस्तों वो है लकड़ी, सी लकड़ी। नेपाल में ऊर्जा के लिए अधिकांश किस साधन का प्रयोग करते हैं? जल विद्युत, लकड़ी, ताप विद्युत, कोयला। तो 90 का जो आंसर है वो है लकड़ी का बी। भारत में सर्वाधिक किस स्रोत से ऊर्जा प्राप्त होती है? जल विद्युत, ताप विद्युत, सौर विद्युत, अणु विद्युत। तो 91 का जो आंसर है वो है ताप विद्युत बी। गैर पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत कौन सा है? ए ज्वरी ऊर्जा, बी भूगर्भिक शक्ति, सी बायो शक्ति, डी ये सभी। तो 92 का जो आंसर है वो है डी ये सभी। पारस्परिक ऊर्जा का स्रोत कौन सा है? ए कोयला, बी पेट्रोल, सी विद्युत, डी ये सभी। तो 93 का जो आंसर है वो है डी ये सभी। 94 की बात करते हैं। ऊर्जा का प्रधान स्रोत कौन सा है? अणु शक्ति, सूर्य, विद्युत शक्ति, पेट्रोलियम। तो इसका आंसर आपको पता है दोस्तों, इसका जो आंसर होगा वो होगा सूर्य। सूर्य से ही हमें ऊर्जा मिलती है।
सूखा व अकाल से मरुस्थली क्षेत्र बढ़ता है बी घटता है सी सम रहता है डी घटता बढ़ता रहता है। तो 95 का जो आंसर है वो होता है अकाल बढ़ता है, उसका आंसर ए होगा। जैव विविधता का COP11 कॉन्फिडेंस ऑफ द पार्टीज सम्मेलन 2012 में कहां संपन्न हुआ, ए दिल्ली बी बेंगलोर सी हैदराबाद डी चेन्नई। तो 96 का जो आंसर है वो है हैदराबाद सी। विश्व वन्य जीव वर्ल्ड वाइड वाइल्ड लाइफ फाउंड निधि का शुभारंभ क्या है, भालू बी बाघ सी हिरण डी पांडा। तो 97 का जो आंसर है वो होता है डी पांडा। 98 की बात करते हैं, भारत में किस राज्य में मरुस्थली क्षेत्र सर्वाधिक है, ए पंजाब बी हरियाणा सी राजस्थान डी गुजरात। तो 98 का जो आंसर है वो है सी, 98 का जो आंसर है वो है सी राजस्थान। धारणी विकास पर विश्व शिखर वार्ता Rio+10 कहाँ हुई थी, दावोस बी नोवा इस्कोसिया सी जोहानसबर्ग डी संघाई। तो 99 का जो आंसर है वो है जोहानसबर्ग में। पर्यावरणीय शिक्षा में किसी शिक्षा दी जाती है, पर्यावरणीय ज्ञान की, पर्यावरणीय समस्याओं की, पर्यावरणीय प्रबंधन एवं सतत विकास की, उपरोक्त सभी। तो 100 का जो आंसर है वो है डी, उपरोक्त सभी की जानकारी दी जाती है। अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरणीय शिक्षा के कार्यक्रम IEEP का शुभारंभ हुआ था 1972 में, 1975 में, 1982 में, 1985 में। तो इसका जो आंसर होगा वो है बी 1975 में। पर्यावरणीय शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है, पर्यावरणीय शिक्षा मानव की पर्यावरण जन्य चेतना को जागृत कर मानवीय आचरण को संतुलित करती है। बी पर्यावरणीय शिक्षा खुले पर्यावरण में वृक्षों के नीचे बैठकर दी जाने वाली शिक्षा है। सी पर्यावरणीय शिक्षा पर्यावरण के तत्वों जैसे भौतिक जैविक सांस्कृतिक की शिक्षा प्रदान करती है। डी पर्यावरणीय शिक्षा में वायुमंडल के तत्व का ज्ञान प्रदान किया जाता है। 102 का जो आंसर है वो है ए। भारत में हाथियों के संरक्षण हेतु हाथी परियोजना का शुभारंभ हुआ था, ए 1972 बी 1982 सी 1992 डी 2002। तो 103 का जो आंसर होगा वो होगा सी 1992 में। भारत में आरक्षित जीव मंडलों की संख्या कितनी है। तो दोस्तों यदि आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट कर बताइए, मैं इसका आंसर आप लोग से पहले पूछने के बाद बताऊंगा। आप लोग पहले बताएंगे उसके बाद मैं इसका आंसर बताऊंगा। भारत में वर्तमान में कितने राष्ट्रीय पार्क है, तो भारत में वर्तमान में कितने राष्ट्रीय पार्क है, ए दिया है 82 बी दिया है 84 सी 89 डी 92। तो 105 का जो आंसर होगा वो होगा डी सी, 105 का आंसर होगा सी 89। भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब बनाया गया था, ए 1952 में बी 1962 में सी 1972 में डी 1982 में। तो 106 का जो आंसर होगा वो होगा सी 1972 में।
जलवायु परिवर्तन अंतरराष्ट्रीय संधि कहां हुई थी? ए बॉन, बी बर्लिन, सी टोक्यो, डी रियो डी जेनेरो। तो 107वां का जो आंसर होगा वो होगा जलवायु परिवर्तन संधि बान में हुई थी, इसका आंसर होगा ए। पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था? स्टॉकहोम, रियो डी जेनेरो, क्योटो को, मॉन्ट्रियल। तो इसका आंसर है दोस्तों वो होगा बी, रियो डी जेनेरो। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 का प्रमुख उद्देश्य था पर्यावरण संरक्षण, बी ओजोन परत संरक्षण, सी जैविक संरक्षण, डी उपरोक्त में कोई नहीं। तो 109 का जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा बी, ओजोन परत संरक्षण। 110 की बात करते हैं तो 20वीं शताब्दी के औसत तापमान में कितनी वृद्धि हुई? तो 20वीं शताब्दी में औसत तापमान में कितनी वृद्धि हुई? ए 0.1 सेंटीग्रेड, बी 0.2 सेंटीग्रेड, सी 0.3 सेंटीग्रेड, डी 0.5 सेंटीग्रेड। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो है सी, 0.3 सेंटीग्रेड। भूमंडलीय तापन, भूमंडलीय चेतावनी का नारा कब दिया गया था? ए 1982 में, बी 1985 में, सी 1989 में, डी 1992 में। तो 111 का जो आंसर है दोस्तों वो है सी, 1989 में। 112 देखते हैं दोस्तों, पृथ्वी के तापमान में वृद्धि का कारण है जनसंख्या, ग्रीन हाउस गैसों का निरंतर बढ़ना, औद्योगिक प्रगति, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 112 का जो आंसर है दोस्तों वो है बी, ग्रीन हाउस गैसों का निरंतर बढ़ना। प्रदूषक जल क्या उत्पन्न करता है? हैजा, पेचिस, अतिसार, ये सभी। तो 113 का जो आंसर है दोस्तों वो है डी, ये सभी उत्पन्न करता है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थलीय वनस्पति संरक्षण हेतु स्वस्थानों पद्धति नहीं है? स्वस्थाने पद्धति नहीं है। ए जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र, बी वनस्पति उद्यान, सी राष्ट्रीय पार्क, डी वन्य जीव अभ्यारण। तो 114 का जो आंसर है दोस्तों वो है बी। समुद्री जल प्रदूषण किसके द्वारा होता है? पाल नौकाओं के प्रयोग से, जलयानों द्वारा पेट्रोलियम पदार्थ के परिवहन से, खनिज तेल का ईंधन के रूप में प्रयोग करने से, जलयानों से, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 115 का जो आंसर है दोस्तों वो है सी, खनिज तेल ईंधन के रूप में प्रयोग करने वाले जलयानों से। 116 की बात करते हैं तो नागोया उपसंधि प्रोटोकॉल संबंधित है ओजोन क्षरण, खतरनाक अपशिष्ट, जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता। तो इसका जो आंसर है दोस्तों 116 का जो आंसर है वो है डी, जैव विविधता। तो दोस्तों मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो अपना ईमेल आईडी आपने कमेंट बॉक्स पर ज़रूर दे ताकि मैं आपको भेज सकूँ। तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट ज़रूर करें।